जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे, और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से यकीन मानिए चली जाएगी। दोस्तों, काफी लंबे समय से मैं पढ़ता चला आ रहा हूं कमेंट्स में कि कोई ना कोई ऐसी तकलीफ आपके पास में रह जाती है कि जिसके वजह से जीवन में अधूरापन लगता रहता है। कोई काम हाथ में लिए तो उनमें से कोई एक आध काम बन जाता है, कोई काम रुक जाता है। हर तरह से, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, तो मैं आज आपको एक मंत्र बताने वाला हूं। यह मंत्र आप 3 बार किसी भी कार्य के लिए यदि उसको लिख करके फूंक देंगे तो वह कार्य आपका बन जाएगा। चाहे आप कैसा भी काम हाथ में लें, कोई भी काम आप हाथ में ले लें, दुर्गम से दुर्गम, मुश्किल से मुश्किल काम आप हाथ में ले लें, और यदि वो नहीं बन पा रहा है, रुक जा रहा है, तो उस काम को आप क्या कीजिए, एक पेपर में लिख दीजिए, लाल पेन से लिख दीजिए, चाहे वो कोई भी काम हो। मान लीजिए किसी को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज है, यदि ऐसा कुछ भी है तो उसको आप लाल पेन से एक कागज में लिख दीजिए, कोरे सफेद कागज में लिख दीजिए, और उसमें 3 बार आप उसको, इस मंत्र को पढ़ के आपको सिर्फ फूंक मारनी है। लेकिन यदि आप दुश्मन से छुटकारा ऐसा कुछ चाहते हैं तो इस मंत्र को आपको काले पेन से लिखना है और उसी तरह से आपको 3 बार इसमें फूंक मार देनी है। और एक बात बता दूं, ये वशीकरण के लिए काफी असरदार, काफी चोटदार इलाज है। किसी का भी यदि आपको वशीकरण करना है, चाहे अपना हो चाहे पराया, दोस्त हो या दुश्मन, लेकिन उसका माइंड वो साफ कर पाएंगे, आप संपूर्ण रूप से उसके दिमाग पर अपना अधिकार जमा पाएंगे, इस तरीके का उसके दिमाग पर आपका असर हो जाएगा, आपकी बातों का उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ने लगेगा, तो आपका अपना तो आपके वश में आ ही जाएगा, लेकिन दुश्मन को कुछ भी किए बिना, कोई भी नुकसान किए बिना वो आपकी शरण में आ जाएगा, आपकी बातें मानने लगेगा। चाहे कैसा भी दुश्मन क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुश्मन हो, लेकिन उसके साथ में कुछ बिगाड़ खाता मत कीजिए। उसका नाम लिख दीजिए एक कागज पर और इस मंत्र को पढ़कर 3 बार फूंक मार दीजिए। समझ लीजिए, दुश्मन आपका पालतू पिट्ठू बन जाएगा, आपके हाथ की कठपुतली बन जाएगा, आप जिस तरह से उसको नचाना चाहेंगे उस तरह से नाचेगा, जिस दिशा में आप भेज देंगे उसी दिशा में वो चलता पड़ेगा। तो बहुत ही असरकारक और कारगर उपाय है, किसी से कोई बिगाड़ नहीं होगा और आपका काम बन जाएगा। इस मंत्र को पहले आपको 1008 बार पढ़ना है, इसको सिद्ध कर लेना है इस मंत्र को, और इसकी एक माला यानी 108 एक माला 108 मंत्र पढ़ के जो हवन सामग्री आती है उस हवन सामग्री से आम की लकड़ियां जला करके इसका आपको हवन कर देना है। इसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो गया। अब आप अपना तो ठीक है, किसी और व्यक्ति का भी यदि काम आपके पास में आता है, कोई आपके जान पहचान में, आपके घर परिवार में यदि तकलीफ में है, तो उसकी भी चीज को उसके नाम के साथ लिख के यदि आप 3 बार फूंक देंगे तो उस व्यक्ति का भी भला हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि वह व्यक्ति सही हो और उसका काम उचित हो, तभी ये मंत्र असर करते हैं, अन्यथा ये मंत्र उल्टा असर कर देते हैं। कुछ लोगों की कमेंट पढ़ता हूं, लिखा होता है गुरुजी हमने उपाय किया लेकिन उल्टा हो गया, तो उनको सोचना पड़ेगा कि आप जो कर रहे थे वो सही है या गलत है। ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि जिस किसी का भी यदि आप काम करें तो बहुत ही सावधानी से करें, और यदि अपना भी कर रहे हैं तो काफी सावधानी से करें। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको कि मंत्र क्या है। मंत्र है ओम नमो त्रिपुर सुंदरी मम कार्य सिद्ध
कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। ये मंत्र आपको 1008 बार पहले इसको आपको कर लेना है, या 10 मालाएं कर लें इस मंत्र की आप कर लें। इसके बाद एक माला 108 गुरियों की एक माला का आपको हवन करना है। अब ये मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है, अब आप इसको कहीं पर भी प्रयोग में ले सकते हैं और अपना मन चाहा काम बना सकते हैं। बस यही है कि काम नीति नियम वाला होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।